मृत व्यक्ति किसी शिक्षण संस्थान के संचालन समिति का अध्यक्ष और बाद में कार्यकारी सदस्य बन सकता है। जी हाँ, इसे सच कर दिखाया है दौसा की एक एनजीओ संस्था ने। आरटीआई कार्यकर्ताओं ने इसकी शिकायतें भी की, लेकिन शिक्षण संस्थान संचालकों के कानों पर फिर भी जू नहीं रहेंगी और उन्होंने अगस्त 2019 में भी मृतक को जिंदा बता दिया। देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देश में कुछ एनजीओ ने समाज सेवा के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर मानवता के उद्धार के लिए जो कार्य किए, उन सभी अच्छे कार्यों पर एनजीओ के नाम से संस्थाएं बनाकर फर्जीवाड़ा करने वाले लोग पानी फेर रहे हैं। दौसा और जयपुर के आरटीआई कार्यकर्ताओं के एक समूह की जानकारी में ऐसा ही एक मामला सामने आया है। दौसा शहर में संचालित रघुकुल शिक्षण संस्थान में मृतक लोगों के संचालन समिति में शामिल होने की जानकारी मिली तो आरटीआई कार्यकर्ताओं ने शिक्षण संस्थान के रिकॉर्ड की प्रतियां सूचना के अधिकार कानून के तहत हासिल की, जिसके बाद फर्स्ट इंडिया न्यूज से संपर्क कर इन कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि शिक्षण संस्थान के संचालकों ने अगस्त 2019 तक ऐसे लोगों को अपनी कार्यकारिणी सदस्य के रूप में दिखा रखा है, जिनमें से एक की मौत 2013 में ही हो गई थी। आरटीआई कार्यकर्ता गंगाधर मीना ने दावा किया है कि संस्थान ने अप्रैल 2014 और मई 2014 में फर्जीवाड़ा कर उसे भी संस्थान का अध्यक्ष बना दिया, जबकि वो इस संस्थान का कभी सदस्य ही नहीं बना। फिर बिना जानकारी के ही गंगाधर मीना का अक्टूबर 2016 में अध्यक्ष पद से फर्जी त्याग पत्र देकर रिकॉर्ड में भी ले लिया। फर्जीवाड़ा तो जैसे मृत आदमियों के नाम से संस्था चला रहे हैं, छात्रवृत्तियाँ उठा रहे हैं, संस्था चल रही है। रजिस्ट्रार ऑफिस से रिपोर्ट लिया सर, तो उन्होंने बिल्कुल लिख के दिया है कि ये फर्जी है। आरटीआई कार्यकर्ता के सहयोगियों का दावा है कि संस्थान में फर्जीवाड़े के प्रमाण भी उनके पास हैं। रघुकुल शिक्षण संस्थान की 31 मार्च 2014 की बैलेंस शीट के मुताबिक उसकी संपत्तियों का मूल्य करीब 88,000 रुपए दिखाया गया है, लेकिन मृतक व्यक्तियों की कार्यकारिणी में रहने का असर ये हुआ कि अगले ही साल की बैलेंस शीट में ये संपत्तियां बढ़कर करीब 79 लाख रुपए के स्तर पर पहुंच गई। आरटीआई कार्यकर्ताओं ने जब इस गड़बड़झाले की शिकायत रजिस्ट्रार कार्यालय को दी तो 22 अगस्त 2019 को जांच अधिकारी और निरीक्षक कार्यालय सहकारी समितियां दौसा ने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि 10 जून 2013 को राम अवतार शर्मा की मौत हो चुकी थी, जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र भी रिकॉर्ड में लिया गया है। उसका पुत्र भी 10 जून को राम अवतार शर्मा की मृत्यु की पुष्टि कर रहा है, लेकिन इसके बाद आयोजित समिति की विभिन्न बैठकों में मृतक को संस्थान के पदाधिकारियों ने न केवल जिंदा दिखाया बल्कि उसके रिकॉर्ड में हस्ताक्षर भी किए हैं। हालांकि हस्ताक्षरों में भिन्नता का अंदेशा जांच अधिकारी जाहिर कर रहा है। इसी तरह का गोलमाल राम अवतार सोनी और रवि पाठक के मामले में हुआ है, जिनकी भी मौत हो चुकी है। रघुकुल शिक्षण संस्थान के नाम से एक संस्था रजिस्टर्ड है, जिसका 21 नंबर दौसा में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है कोऑपरेटिव एक्ट में 1958 में। एनजीओ है, अलाभप्रद संस्था है, लेकिन इसका जब आरटीआई में रिकॉर्ड हमारे सामने आया तो हमने देखा कि ये 2013 में इनका अध्यक्ष राम अवतार शर्मा था, वो मर चुका, फिर भी उसके नाम से मीटिंगें हो रही हैं और कार्रवाइयाँ हो रही हैं, और जो इसकी बैलेंस शीट है 2014 की मार्च की, वो 88,000 रुपये की मात्र थी और ऑडिटेड बैलेंस शीट है, लेकिन 15 के अंदर 79 लाख की बैलेंस शीट हो गई। तो हमने सोचा कि मृतक लोग शामिल हैं, जिसमें राम अवतार शर्मा खुद मर गया और दूसरे कई सदस्य और पदाधिकारी मर गए, कोषाध्यक्ष भी मर गया, फिर भी ये संस्था कमाई कैसे कर रही है जबकि अलाभप्रद संस्था है। तथ्यों की जांच के लिए फर्स्ट इंडिया संवाददाता जब रिकॉर्ड में उपलब्ध रघुकुल शिक्षण संस्थान के पते 36 जनकपुरी कॉलोनी पहुंचे तो वहां इस संस्थान का अता पता ही नहीं मिला। पूछताछ करने पर मौजूद लोगों ने यहां ऐसी किसी भी संस्थान के संचालन से इनकार कर दिया। संस्थान की मंत्री रजनीश शर्मा से उनका पक्ष लेने के लिए बार बार संपर्क करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन उनसे संपर्क ही नहीं हो सका। उधर सहकारिता विभाग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में जयपुर मुख्यालय में भी शिकायत पहुंची है। रजिस्ट्रार महोदय, जयपुर से एक शिकायत प्राप्त हुई थी रघुकुल शिक्षण संस्थान के बारे में, जिसमें ये आरोप था मुख्यतः कि कोई पदाधिकारी 2013 में मृत हो गया था, उसके बाद भी उसको पदाधिकारी बनाए रखा और वो सदस्य आज भी चल रहा है। उस संबंध में यहाँ से जाँच करवा के उसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट हमने रजिस्ट्रार महोदय को भिजवा दी और अगले निर्देशों की हमको इंतजार है। रजिस्ट्रार महोदय से जैसे निर्देश प्राप्त होंगे उस ढंग से उचित कार्रवाई एक्ट के अनुसार की जाएगी। दौसा कार्यालय से हुई संस्थान की जांच रिपोर्ट के आधार पर मुख्यालय से संस्थान के खिलाफ उचित कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। एनजीओ के माध्यम से फर्जीवाड़ा
कोई नई बात नहीं है, लेकिन दौसा में जो फर्जीवाड़ा सामने आया है उसमें मृतक लोगों को शामिल करके फर्जीवाड़ा किया गया है। आरटीआई कार्यकर्ताओं ने इस पूरे मामले को उजागर करने के बाद रजिस्ट्रार कार्यालय में जब संपर्क किया तो ये दावा किया जा रहा है कि रजिस्ट्रार की ओर से फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए जा चुके हैं। देखने वाली बात यह है कि सहकारिता विभाग अब इस मामले में आखिर क्या कार्रवाई करता है और जिन लोगों ने फर्जीवाड़ा किया है उसको इनका क्या अंजाम भुगतना पड़ता है। विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।